जलपुर की लाटगंज थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके पति को गिरफ्तार किया है। पति पत्नी फिल्मी स्टाइल में शादी कराने का झांसा देकर और बाद में फिर जेवर कपड़े के लिए लाखों रुपए मांगते और रुपए मिलते ही मौका पाकर फरार हो जाते थे। पकड़ा गया आरोपी भानु उर्फ विवेक जैन अपनी पत्नी को बहन बनाकर शादी का रिश्ता तय करवाता था और पुलिस ने दोनों से 58,500 रुपए जब्त किए हैं। 11 जुलाई 2021 को जयप्रकाश तिवारी निवासी पन्ना ने लाटगंज थाना पुलिस को बताया था कि उसकी शादी न हो पाने के कारण उसने रवि दुबे निवासी घाट पिपरिया जिला दमोह से बात की। रवि ने उसे रजनी तिवारी से बात कराई, व्हाट्सएप के जरिए मंगाई फोटो और पीड़ित ने बताया कि रजनी तिवारी ने अपने व्हाट्सएप जरिए उसकी फोटो मांगी तो उसके पड़ोसी श्याम कांत प्यासी ने उसकी फोटो रजनी के व्हाट्सएप में भेज दी। श्याम कांत के व्हाट्सएप पर रजनी ने तीन लड़कियों की फोटो भेजी और तीन लड़कियों में से अंजलि तिवारी को पसंद किया गया तो रजनी ने श्याम कांत के नंबर पर शादी करने के लिए जयपुर आने का निमंत्रण दिया। 3 जुलाई 2021 को पीड़ित और श्याम कांत प्यासी उसके चाचा रामहित तिवारी, राम किशोर तिवारी एवं बुआ का लड़का ओम प्रकाश चंदपुरिया सभी लोग गाड़ी से गोल बाजार पहुंचे। थोड़ी देर बाद रजनी एक लड़की और एक लड़के के साथ पहुंची, जिसके बाद पीड़ित ऑटो में श्याम कांत प्यासी, चाचा रामहित तिवारी, बुआ का लड़का ओम प्रकाश चंदपुरिया एवं रजनी तिवारी और रजनी की साथ में आई लड़की अंजलि तिवारी, उससे उसकी शादी होने वाली थी, एक लड़की का भाई भी विकास तिवारी को लेकर कोर्ट ले गए। आज हमने हमारे यहाँ एक लुटेरी दुल्हन वाला केस हुआ था, अपराध क्रमांक 524-21, जिसमें जो एक आरोपी था भानु उर्फ विवेक जैन और उसकी पत्नी सारिका जैन, हमने इनको गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर 5,000 रुपये का इंडिविजुअल इनाम था। ये काफ़ी दिनों से फरार थे, हमने इनको गिरफ्तार किया है। ये दोनों पति पत्नी हैं रिश्ते में, लेकिन ये किसी को धोखाधड़ी करने में भाई बहन का वो करते थे और ये विवेक और भानु अपनी पत्नी को बहन बताता था और इसकी शादी करना है और जिन नवयुवकों की शादी नहीं होती थी उनको चीटिंग करके, उनको पैसे का लालच देकर उनसे शादी करने का के चीटिंग करता था, जिसमें हमने आज इनको गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय में पेश किया है। कितने लोगों के साथ किया सर माननीय? फिलहाल तो हमने बहुत प्रयास किया लोगों को तलाशने के बाद में, काफ़ी लोग से संपर्क किया है, अभी हमारी विवेचना और इसमें हम जारी रखे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। बाकी हमारे प्रकरण में जो भी इन्वॉल्व थे हमने सबको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। अन्य साथी पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जो है कैसे मतलब लोगों को बहलाते हैं, फंसा देते हैं, कैसे इन लोगों से कैसे कॉन्टैक्ट होता है? देखिए ये पर्टिकुलर, ये जब देखते थे कि किसी नवयुवक की शादी नहीं हो रही है और वह है उसको कोई बताता था कि आप इससे बात कर लिए, तो व्हाट्सएप पे ये फ़ोटो देते थे और फ़ोटो के माध्यम से ये डील करते थे। फिर एक ड्रामा ऑर्गेनाइज करके लोगों को बुला के कि हम शादी करेंगे, लड़की को दिखाते थे और एक फर्जी ढंग से कोर्ट की प्रक्रिया करा के पैसे का लेन देन करके कि हमें जेवर खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं और लोगों को वेट करा के जो वर पक्ष होता था जो शादी करने के लिए आया रहता था उसको बेवकूफ़ बना के ये मौके से फरार हो जाते थे। लगभग कितने लोगों से कितने के फ्रॉड किया? इसमें तो हमारे प्रकरण में 1,20,000 रुपये का इन्होंने चीटिंग किया था और बाकी लोगों के लिए भी हम और जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।